Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and enjoying your work. अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, the next part of your French revolution. हम धीरे-धीरे करके हर चीज को लिंक करते जा रहे हैं. So you must remember all things. तो अभी तक हमने last time means yesterday what we discussed. कल हमने Jacobin clubs के बारे में डिस्कस किया था. And the leader of the Jacobin clubs was Maximilian Robespierre. राइट, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब. राइट, उनके ड्रेसेस सेंस के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वियर एंड किस तरह के, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर, किस तरह के ड्रेसेस वो पहनते थे. एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जैकोबियंस, जो जैकोब्स जिन थे आपका, व्हाई दे हैव नेम्ड जैकोबियंस, उनका नाम कैसे पड़ा जैकोबियन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू That कि आपके जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपका एक पेज दिया होगा जिसपे आपके कुछ सिंबल्स बने हुए हैं. सो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू दीज सिंबल्स. आप उन सिंबल्स के थ्रू जो है, जैसे ब्रोकन चेन दिया हुआ आपका, राइट, चार्टर दिया हुआ आपका, मेंस राइट चार्टर दिया हुआ आपका. सो यू नीड टू गो थ्रू दैट कि ये सिंबल क्या है और क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. यू नीड टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पेजेस. इन दो पेजेस में आपके सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं आपके, कई बार इनसे क्वेश्चन बना दिया जाता है. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज सिंबल्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क टू मी. आप मुझे पूछ सकते हैं आपका. व्हेन वी विल बी हैविंग द सेशन, लाइव सेशन जब हमारा होगा, तो हम उसमें आपस में डिस्कस करेंगे इससे रिगार्डिंग. ओके, चलिए, नाउ वी कमिंग टू द पॉइंट. आज हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं. अभी हमने जैकोबिन क्लब्स के बारे में डिस्कस किया. व्हाट वी हैव डिस्कस, जैकोबिन क्लब बना. जैकोबिन क्लब बनने के बाद द लीडर वॉज द, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि रोबेस्पियरी जो था वो उसका लीडर बनता है. एंड लुई 16 जो था आपका, ही एंड हिज वाइफ वॉज एग्जीक्यूटेड. और उसकी वाइफ को क्या करते जाता है, फांसी की सजा दी जाती है. उस पर केस चलाया जाता है एंड उसको फांसी की सजा दी जाती है. फिर हमने डिस्कस किया था आपका कि जो जैकोबिन क्लब है वो वोटिंग करवाते हैं इक्वलिटी के आधार पर, सभी को वोटिंग का राइट मिलता है. एंड न्यू पार्लियामेंट विद द नेम ऑफ द कन्वेंशन के नाम से वो बनती है. और अब धीरे धीरे करके किस तरह से अपने रूल्स करना स्टार्ट करते हैं, वी हैव गॉन थ्रू दिस. राइट, सो लेट अस, जो मैंने आपको कल बताया था आपका कि ये जो हमारा टाइम पीरियड था बिटवीन 1793 एंड 94, 1793 टू 94, इट वॉज अ टाइम विच इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर. रेन का मतलब होता है साम्राज्य कह लीजिए, राज्य कह लीजिए. एंड टेरर का मतलब हो गया आतंक, यानी कि इस समय लोगों में बहुत ज्यादा, कहने का मतलब कह सकते हैं आप कि लोग बहुत ज्यादा यहाँ से डरे हुए थे. दे फेल्ट टू मच फियर फ्रॉम द गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा डरते थे. उसके क्या कारण थे, वाई द पीपल फील फियर, फेल्ट फियर बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द रोबेस्पियर. लोग क्यों डरते थे, उसका कारण क्या था. रोबेस्पियर जिस तरह की पॉलिसीज को फॉलो किया, देवर सीवियर, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आपका पनिशेबल, और कह सकते हैं आपका सीवियर पॉलिसीज, बहुत ही कड़े कदम उसने उठाए थे. इसीलिए पीपल फेल्ट फियर एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज द, दिस पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज द रेन ऑफ द टेरर. क्या क्या था कि रोबेस्पियर ने, पीरियड ऑफ 1793 टू 1994, दिस इज नोन एज द रीजन ऑफ द टेरर, रेन ऑफ द टेरर. इसको हम लोग रेन ऑफ द टेरर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं हमारे पास, बिकॉज रोबेस्पियरी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड द पनिशमेंट. क्योंकि रोबेस्पियरी ने एक बहुत ही हार्ड पॉलिसी को फॉलो किया था. इसमें क्या होता था, वो पनिशमेंट करते थे, किस तरह के लोगों को पनिशमेंट करते थे, ही फॉलोड, जैसे उसके जितने भी कॉमन एनिमी थे, जितने भी उनको वो अपने दुश्मन मानता था, उन सभी के लिए उन्होंने सेम जैसे रूल लागू कर दिया. अब उसमें कौन कौन थे, उसमें चाहे आप एक्स नोबल थे, हम सबको पता है एक्स नोबल का मतलब हमने पढ़ा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के खिलाफ तो उसने बिल्कुल डेफिनेटली बात, देखो अभी हमने जैसे लुई 16 के बारे में पढ़ा, उसने उसको फांसी की सजा दिलवा दी. ठीक है, इसके अलावा भी जो बचे हुए जो नोबल थे, नोबल फैमिलीज के जो लोग थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने उसी तरह की चीजें अपनाई. एलर्जी को भी उसने नहीं छोड़ा. मेंबर ऑफ द अदर पोलिटिकल पार्टी, जो दूसरी पोलिटिकल पार्टी के मेंबर थे, उन पे भी इसी तरह की पनिशमेंट्स करना, उनको सीवर कंट्रोल करना, वो उन्होंने किया. इवन यहां तक कि उसकी पार्टी के मेंबर भी इसमें शामिल थे. अगर कोई पार्टी का मेंबर उसके आइडिया से सहमत नहीं होता था, इफ हिज ओन पॉलिटिकल पार्टीज लीडर वर नॉट एग्री विद हिज ओन आइडिया, सो दे वर आल्सो पनिश्ड. उनको भी क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था. इफ समवन इज नॉट एग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द पार्टी, दे वर आल्सो पनिश्ड इनटू द
दिस टाइम, इस समय में उनको क्या किया जाता था, पनिशमेंट किया जाता था। सी और क्या क्या था, व्हाट दे वर टॉल्ड, दे वर अरेस्टेड, जैसे एक्स नोबल हो गया, कैलर्जी हो गया, अदर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो गए, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो उसने पॉलिसीज बनाई हुई थी अगर वो उनको सहमत नहीं करते थे, दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया जाता था, एंड दे वर गिवन द पनिशमेंट, और फिर उनको क्या दी जाती, पनिशमेंट दी जाती थी। हाउ द पनिशमेंट वॉज गिवन, कैसे दी जाती थी आपका, दे वर टायर्ड इन टू द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, उनपे क्या किया जाता था, केस चलाया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, अरेस्ट करने के बाद जेल में डाल दिया जाता था, और जेल में डालने के बाद जो रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था, ये क्या था, आप कह सकते हैं दिस इज द काइंड ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट था जिसमें जो भी आपके फ्रांस में जिनको भी अरेस्ट किया जाता था उन पे केस चलता था, एंड आफ्टर दैट दे वर सेंड टू द गिलोटाइंड। गिलोटाइंड क्या था, देखिए ये क्या आपका, दिस इज द वर्ड दैट इज यू विल सी इन टू योर बुक, गिलोटाइंड का मतलब अ डिवाइस टू एग्जीक्यूट द पीपल, which was named after its inventor, Dr. Guillotine। देखिए ये एक ऐसी डिवाइस थी जिससे लोगों को क्या किया जाता था, फांसी की, पहले हम फांसी की सजा देते थे तो वहां पर गिलोटाइन कहते थे। गिलोटाइन का मतलब क्या है आपका, इट्स अ डिवाइस विच हैव टू पोल, इसके हमारे पास क्या होते थे आपकी, ये इस तरह से दो पोल बने होते थे, राइट, इस तरह से उसके दो पोल होते थे, नीचे आपका इस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था, प्लेटफॉर्म वॉज प्रिपेयर, यहाँ पे आदमी की जो गर्दन है उसको रखा जाता था, राइट, और ऊपर यहाँ पे आपका ब्लेड लगी हुई होती थी, ऊपर यहाँ पे ब्लेड होती थी और यहाँ पे कतब की आपका ठीक है रस्सी होती थी, तो आदमी को इस पे लेटा देते थे और उसको क्या कर देते थे आपका, ग्लेटाइन कर देते, ऊपर से इसको छोड़ दिया जाता था और ये जो ब्लेड है वो यहाँ पे नीचे आके इसको क्या करते थे, गर्दन को इसके अलग कर देते थे। दिस वॉज द सिस्टम ही फॉलोड, उसने इस तरह का सिस्टम फॉलो किया कि लोगों की गर्दन को ही अलग कर देते थे अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता, सो दिस वॉज वेरी सीवियर पनिशमेंट, बहुत लोग इसे डर गए थे, एंड दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज द रेन ऑफ द टेरर, इसलिए हम लोग उसका समय ही ऐसा था कि लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, अब उसके खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्लियर, सो व्हाट हैपेंड देन, और ग्लटाइन किया जाता था लोगों को, राइट, उसके बाद क्या था आपका, कुछ चेंजेस क्या, अब उसकी ऐसी कौन सी पॉलिसीज में चेंजेस लाए, क्या उसके कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी थे, देखिए जो चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रोबेस्पियर, जो चेंज इंट्रोड्यूस किए थे रोबेस्पियर के द्वारा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, क्या चेंजेस किए, मैक्सिमम सेलिंग ऑन द वेजेस एंड द पावर, सबसे सॉरी प्राइसेस, सबसे पहले उसने क्या किया, जब उसने देखा सिचुएशन को कि भाई जो प्राइसेस जो बहुत तेज बढ़ रहे हैं, क्या किया उसने, सबसे पहले उन प्राइसेस पे रोक लगा दी, भाई ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी अपने प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेगा आपका, ठीक है, वेजेस जो आपका वो भी नहीं बढ़ेंगे, ना ही आपका वेजेस बढ़ेगा, ना ही आपका जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे फूड ग्रेन्स के प्राइसेस पे। सबसे पहले उसने कंट्रोल इसलिए क्योंकि द पीपल वर फाइटिंग, द कॉमन पीपल वर फाइटिंग फॉर द सेम, जैसे हमने पढ़ा था सब्सटेंस क्राइसिस जो जनरेट हुए थे तो उसका कारण तो हमने पढ़ लिया था, तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो ये किया, ही कंट्रोल ऑन द प्राइसेस एंड द वेजेस, सबसे पहले उसने क्या किया, बिल्कुल उनको सीज कर दिया, मतलब एक स्थिर ला दिया, एक जगह पे खड़ा कर दिया, उसके आगे उसको बढ़ने नहीं दिया उसने। अब इससे हुआ क्या फायदा, व्हाट वाज द बेनिफिट, ही डिस्ट्रीब्यूटेड ही राशन द ब्रेड मीट एंड द ब्रेड विच वर वंस अ ड्रीम फॉर द कॉमन पीपल, जो आम आदमी के लिए खाने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, अब वो चीजें उसने एज अ राशन के रूप में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, दैट इज मीट एंड द ब्रेड वर राशन टू द कॉमन पीपल, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल फूड ग्रेन एट फिक्स्ड प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ उसने क्या किया, किसानों को मजबूर किया कि आप अपने जो फूड ग्रेन है अनाज है उसको आप शहरों में भेजेंगे और शहरों में भी जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फोर्स सेलिंग ऑफ द फूड ग्रेन, जबरदस्ती लोगों को जो प्राइस मिला उस प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसी प्राइसेस पे उनको बेचना होता था, राइट, एंड इट वॉज डन बिकॉज उसने ये किया क्योंकि उस समय फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ही ऐसा किया गया था, बट द थिंग वॉज टेकन रॉन्ग, मे बी ऐसा हो सकता है, राइट, इट वॉज जस्ट एन आइडिया, बट पीजेंट्स वर फोर्स टू सेल। अब अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं तो जो पीजेंट्स थे दे वर फोर्स, उनको क्या किया जबरदस्ती ऐसा बोला कि आपको यही प्राइस मिलेंगे इसी भी आपको क्या करना पड़ेगा सेल करना पड़ेगा आपको। यूज ऑफ द एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। अब इसमें क्या कहता, जैसे हमारे पास क्लासेस थी एरिस्टोक्रेसी क्लासेस थी,
एलर्जी थे या फिर हाई प्रोफाइल कह सकते हैं आपका, जो हाई जिन्होंने अपने मिडिल क्लास थे, जिनके पास वेल्दी मिडिल क्लास थी इन अदर वर्ड्स, तो वो लोग व्हाइट फ्लोर यूज करते थे अपने खाने के लिए, दैट वाज बैंड, वो पूरे तरह से बैन कर दिया गया। एंड इक्वलिटी को शॉर्ट करने के लिए, इक्वलिटी को लाने के लिए उसने क्या किया, एक जैसे जो ब्रेड थे दैट इज प्रमोशन ऑफ द इक्वलिटी ब्रेड, उसने क्या किया, इक्वलिटी जो ब्रेड थी उसको भी प्रमोट किया कि सभी लोग यही खाएंगे। इसका नाम क्या था आपका, पेन द इग्लाइट, द पेन द इग्लाइट दो नेम वॉज दैट द इक्वलिटी ब्रेड, इक्वलिटी ब्रेड बोलते हमारे पास, इसको प्रमोट किया गया। इसके अलावा सभी को यही चीज इक्वलिटी ब्रेड सबको डिस्ट्रीब्यूटेड की गई, यही लोग सब खाएंगे। राइट, नेक्स्ट वन, इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सेर एंड मैडमे, अब जो फ्रांस के अंदर चल रहा था कि जो मैन थे उसको मॉन्सेर यानी कि सर बोला जाता था और जो विमेन होते उसको मैडमे कहते थे, यानी कि मैडम कहते थे, दैट वॉज रिमूव, उसको उसने हटा दिया। अब इसमें क्या, अब जो बोला जाएगा जितने भी फ्रांस के लोग हैं, मैन और विमेन, मैन को बोला जाएगा सिटियन एंड द वुमेन वर कॉल्ड एज द सिटियनी, दैट इज दैट द लिटरली मीनिंग क्या होता है इसका, सिटीजन ही होता है इसका मतलब। अब लोगों को क्या बोला है, कोई मैडम और सर नहीं बोलेंगे, सबको क्या, सिटियन एंड द सिटियनी बोला जाएगा और उसका मीनिंग होता है आपका सिटीजन ऑफ द फ्रांस, तो फ्रांस के सिटीजन कहना ही। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही व्हाट ही डिड, चर्चेज, अब जो चर्च, अब उसका नेक्स्ट टारगेट कौन बना चाहते थे, उसने सभी को अपने वन बाय वन करके टारगेट बनाया। सबसे पहले मोनार्क यानी कि लुई 16 को एग्जीक्यूट किया, दूसरा फिर उसने टारगेट बनाया अपने जो फूड प्राइसेस थे वो जो बढ़ रहे थे उनको रोक लगाई, तीसरा उसने टारगेट किस पे किया आपका, द पॉलिटिकल लीडर्स हु वर अगेंस्ट हिम उनको उन्होंने टारगेट बनाया, देन ही टारगेटेड द ऑल चर्च, पादरी जो थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनके जहां पे चर्च थे उन चर्चेज को उसने क्या किया, या तो उनको बंद कर दिया, वेदर इट वॉज शट डाउन बाय देम, और शट डाउन नहीं किया तो उसमें बैरक बना दी, बैरक मतलब आर्मी, आर्मी के रहने के लिए वो जगह बना दी, या फिर उसको क्या कर दिया गया, जो गवर्नमेंट के ऑफिस थे उनके अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ, चर्च की जो वैल्यूज थी उसको उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द वैल्यू ऑफ द चर्च, चर्च तो उसने छोड़े नहीं, उसने क्या किया, चर्च को कन्वर्ट कर दिया किसी में, बैरक में कन्वर्ट कर दिया या फिर ऑफिस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दीज स्टेप्स वर टेकन बाय द रोबेसपियर, ये चेंजेस लाए रोबेसपियर ने, चेंजेस लाए, बट अगेन ही वॉज ग्लूटाइन, अगेन वो भी क्या किया जाता है आपका, वापस ग्लूटाइन कर दिया जाता है, जिस डिवाइस को उसने बनाया था उसी डिवाइस से रोबेसपियर वॉज फिर से कन्विंस इन टू द कोर्ट, कन्विक्टेड इन टू द कोर्ट, अब कोर्ट में उसको क्या गया, उस पर केस चलता है, सेम उस पर भी केस चलता है और उसको भी क्या किया जाता है, जुलाई के अंदर 1794 के अंदर ग्लूटाइन कर दिया जाता है, जुलाई 1794 के अंदर उसको भी वैसे ही इसी जिस डिवाइस को उसने इन्वेंट किया था उसी डिवाइस से उसको उसको भी क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। सो दिस वॉज द टाइम, इस पे आप, ये हमारा टाइम था जिसमें आपका द रेन्स ऑफ द टेरर हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज बिकॉज हमने बोला कि सिंपल सी बात है, उसने पॉलिसी इस तरह की फॉलो की दैट वर नॉट इन द फेवर ऑफ इवन अ कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन भी उससे डरते थे, अपने पॉलिटिकल लीडर, जैसे मान लो मेरा ही आप मेरी ही पॉलिटिकल पार्टी और मैं अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को ही पनिशमेंट करना स्टार्ट कर दूं, ये बिल्कुल वही हो गया जैसे मेरी फैमिली के मेंबर हैं और मैं उन्हीं को पनिशमेंट करना स्टार्ट कर दूं, दिस वॉज नॉट टॉलरेटेबल, ये टॉलरेटेबल नहीं था, और सो लोगों ने उसके खिलाफ केस चलाया और केस चलाकर उसको भी क्या कर दिया गया, जिस डिवाइस को इन्वेंट किया था उसी डिवाइस से उसको भी ग्लूटाइन कर दिया गया था। दिस वॉज द रेन ऑफ द टेरर, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, टिल देन हैव नाइस टाइम, सी यू, बाय, सी यू।